अरेंजिंग एलिमेंट्स इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब एरेज के पास कुछ एलिमेंट्स है, उनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में एक्सपोर्ट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। जैसे हमारे पास एक एरे है उसको देख, हमारे पास एरे है और उसका साइज 5 है, 5 एलिमेंट्स हैं, ये अनअरेंज्ड है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे अरेंज, तो असेंडिंग, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? आवर रिजल्ट शुड बी लाइक दिस, कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें ये एलिमेंट्स ऑर्डर में आ जाए। इस तरीके से कि पहले यहां पे 1, फिर 2, 4, 7, 8। तो ये अरेंजिंग जो हुई है, इसके पीछे एक टेक्निक लगाई जाती है, उस टेक्निक को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट सॉर्टिंग, कि हम लोग सॉर्टिंग कैसे करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए सब, इसके टाइप्स क्या होते हैं? इसके टाइप दो होते हैं, मतलब जो आपके सिलेबस में है स्पेशली, तो स्पेशली आपके सिलेबस में है, वो सिलेक्शन सॉर्ट है, दूसरा होता है बबल सॉर्ट, एक सीक्वेंशियल सॉर्ट भी कहते हैं इसको। तो सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है, इसको समझते हैं क्या ये, इस तरह ध्यान दीजिएगा। तो सिलेक्शन शॉर्ट में होता क्या है, मैं पहले इसके रिगार्डिंग इसका कोड लिख देता हूं, कोड इसका क्या है, उसके बाद हम इसको करेंगे। पहले इस टॉपिक पे आते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट के टॉपिक पे। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉर्ट के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्स मांगने पड़ेंगे यूजर से। तो अब लिखते हैं यहाँ पे import java.util.star, अब लिखते हैं क्लास सिलेक्शन पब्लिक स्टैटिक void। इसके बाद स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन वेरिएबल डिक्लेयर कर दो आप। सपोज आपको 5 एलिमेंट्स मांगे हैं और 5 एलिमेंट्स को आपको शॉर्ट करने को बोला गया है, तो एरे का साइज क्या डिक्लेयर करेंगे आप? 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 एलिमेंट्स मांग लिए हैं यूजर से। अब उसके बाद हमें इसे सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग के लिए कुछ लूप चलेगा, वो लूप क्या है? एलिमेंट्स
ascending order. हो गई ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन शॉट का जो कोड है वो है, इसको एक्सप्लेन जरा, इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग क्या होती है इसकी, तो उसकी वर्किंग हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक वेरिएबल बन गया ए नाम का, ए बना दो से, इसमें पांच एलिमेंट्स की जगह बना दो पहले, तो 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है। आई में क्या भैया, 0, 0 छोटा पास है, कंडीशन ट्रू, तो यूजर ने डाला होगा 5 नंबर, तो चले गए यहाँ पे 3, 7, 2, 4, 5 मान लो कि ये 5 नंबर हमारे पास आ गए यहाँ पे इस लूप के अंदर अंदर। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ आई कॉस्ट 0 ठीक है, आई में 0 है, 0 छोटा पैक से कंडीशन क्या है ट्रू, तो स्मॉल नाम का एक वेरिएबल बन गया हमारे पास। ओके लेट्स क्रिएट स्मॉल, और स्मॉल को लिख दो यहां पे, स्मॉल नाम का एक वेरिएबल बन गया, इसमें स्मॉल में क्या है ए ऑफ आई, तो ये 0 पे क्या दिया 3 पोज, इसकी पोजीशन नोट कर लेते हैं कौन से पोजीशन पे है ये, हमने बोला भैया 0 पोजीशन पे, बाय डिफॉल्ट इसको ले लेते हैं ये स्टार्टिंग में। उसका इस लूप के अंदर आए तो लूप में जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो j नाम का एक वेरिएबल बन गया, j में है हमारे पास i प्लस 1, i में क्या है हमारे पास 0, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो 1 छोटा पैक से कंडीशन क्या है ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो दरवाजे के अंदर आया काम करने के लिए, अंदर आते ही कंडीशनल स्टेटमेंट डाल रही है क्या स्मॉल a ऑफ j से बड़ा है। ठीक है चलो a ऑफ j में देखते हैं भैया a ऑफ j पे है क्या पहले, तो j में 1 है तो a ऑफ 1 पे क्या है 7, स्मॉल में क्या है 3, क्या 3 7 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला काम नहीं होगा, बाहर आया अब लूप टूटा नहीं तो इसलिए लूप के बाहर नहीं आएगा, पहले लूप को कंप्लीट करेगा ना, तो इसलिए कहां गया ये j++ पे। नाउ j हैज वैल्यू 2, क्या 2 छोटा पैक से कंडीशन क्या है ट्रू, क्या स्मॉल, स्मॉल में क्या है 3, क्या 3 बड़ा है a ऑफ 2 से, तो a ऑफ 2 मतलब a ऑफ j में क्या है इस बार 2, क्या 3 2 से बड़ा है, कंडीशन क्या है ट्रू, तो स्मॉल में क्या आ गया a ऑफ j, तो स्मॉल में क्या आ गया a ऑफ j में क्या आ गया 2, और पोज क्या हो गया हमारा, पोज क्या हो गया j, j में क्या है 2, फिर कहां गया j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या हो गई 3, क्या 3 छोटा था इससे, कंडीशन क्या है ट्रू, कंडीशन ट्रू अंदर आ गया, क्या स्मॉल a ऑफ j से बड़ा है a ऑफ j में क्या भैया, j में 3 है तो a ऑफ 3 पे क्या होगा, a ऑफ 3 पे होगा हमारे पास 4, तो ये 3 पे 4 होगा ठीक है, क्या स्मॉल a ऑफ 4 a ऑफ j से बड़ा है, क्या 2 4 से बड़ा है, कंडीशन क्या है फॉल्स, फॉल्स तो ये काम नहीं होगा, फिर j की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4, तो 4 छोटा है फिर से कंडीशन ट्रू, क्या स्मॉल, स्मॉल में क्या आ गया, स्मॉल में 2 है और a ऑफ j में क्या आ गया, j में 4 है, तो a ऑफ 4 पे क्या होगा इस टाइम, अभी a ऑफ 4 पे क्या होगा हमारे पास, a ऑफ 4 पे 5, क्या स्मॉल 5 से बड़ा है, क्या 2 5 से बड़ा है, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो यार काम नहीं हुआ, j की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5, क्या 5 5 से छोटा है, कंडीशन क्या है फॉल्स, टूट गया, तो टूट गया तो इसका दरवाजा यहां बंद हो रहा है, इसके बाहर आया, जैसे ही ये बाहर आया तो टेंप नाम का एक वेरिएबल बन गया, टेंप में क्या आ गया a ऑफ j, a ऑफ j मतलब j में क्या भैया हमारे पास 5, j में क्या है ओ सॉरी टेंप इक्वल्स टू a ऑफ i, i में क्या हमारे पास 0, तो टेंप में a ऑफ 0 हो गया, a ऑफ 0 में क्या है 3,
a ऑफ i, तो i में क्या है जीरो, तो a ऑफ जीरो पे क्या चला गया a ऑफ पोज, पोज में क्या है टू, तो a ऑफ टू पे कौन सा है टू, तो a ऑफ जीरो पे क्या पहुंच गया टू, और a ऑफ पोज पे, पोज में क्या है टू, तो a ऑफ टू पे क्या चला गया टेन, टेन में क्या था थ्री। तो सबसे पहले लूप में सबसे छोटा नंबर सबसे पहली पोजीशन पे आता है, और जहां से सबसे छोटा नंबर पहली पोजीशन पे आता है वहां पे इस पोजीशन का नंबर पहुंच जाता है। तो 2 हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया, 3 चला गया करके यहां। तो आई के पहले लूप बाद जो इसका फेस है, जो उसकी शक्ल है, वो इस तरीके से बन गई। जीरो वन टू थ्री फोर, ये इंडेक्स है। तो 2 आ गया यहां पे, 7 वहीं पे ही है, यहां पे पहुंच गया 3, 4 यहीं पे है, 5 यहीं पे है, राइट। तो हमने देखा सबसे छोटा नंबर पहले लूप में सबसे पहली पोजीशन पर आता है, और जहां से सबसे छोटा नंबर आता है वहां पे उस पोजीशन का नंबर पहुंच जाता है। 3 यहां पहुंच गया, 2 यहां आ गया, तो नंबर एक्सचेंज हो गया। इसके बाद फिर हम यहां पे गए आई प्लस प्लस, तो मतलब आई का अगला लूप चलेगा हमारे पास। तो आई में क्या हो गया हमारे पास 1, तो 1 छोटा पैसे कंडीशन क्या हो गया ट्रू, कंडीशन ट्रू तो अंदर आ गया, अंदर आती स्मॉल नंबर एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब दोबारा से बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज लेंगे हम लोग, तो स्मॉल में क्या आ गया हमारे पास a ऑफ i, i में क्या है 1, तो a ऑफ 1 क्या हमारे पास 7, पोजीशन क्या है i, i में क्या है 1, j में क्या आ गया, j में क्या भैया इस बार, अब j में क्या है हमारे पास, i में तो भैया 1 है, j में क्या आ गया i प्लस 1 मतलब 2। तो अब जो भी वर्किंग होगी ना चेकिंग यहां से होगी, इसको छोड़ देगा क्योंकि सबसे पहला सबसे छोटा नंबर सबसे पहले क्वेश्चन पे आ गया, तो अब इसमें से सबसे छोटा नंबर इधर आएगा, और फिर जहां से छोटा नंबर यहां पे आया वहां पे ये वाला नंबर पड़ जाएगा, फिर अगली बार इतने होगा, फिर अगली बार इतने होगा, फिर अगला इसमें ही होगा, इस तरीके से वर्किंग होगी हमारे पास। तो कंप्लीट करते हैं, जे में 2 आ गया, 2 छोटा पैक्स की कंडीशन क्या है ट्रू, अंदर आती स्मॉल क्या है स्मॉल बड़ा है, और जे से स्मॉल में क्या है हमारे पास 7 है, और ए ऑफ जे क्या बनेगा हमारे पास, ए ऑफ जे पे क्या है 3, क्या 7 3 से बड़ा है, कंडीशन क्या है ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करना पड़ेगा इसको, काम क्या हो रहा है स्मॉल में ए ऑफ जे आ रहा है, स्मॉल क्या भैया ये ए ऑफ जे पे क्या है 3, तो ये 7 तो क्या आ गया यहां पे 3, और पोजीशन क्या नोट करेंगे जे की, जे में क्या है 2, फिर क्या गया जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 छोटा फैक्टर कंडीशन ट्रू, क्या है स्मॉल ए ऑफ जे से बड़ा है तो जे में क्या है 3, तो ए ऑफ 3 पे क्या है 4, तो क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला काम नहीं हुआ, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन ट्रू, क्या स्मॉल ए ऑफ 4 से बड़ा है, क्या स्मॉल 3 ए ऑफ 4 5 से बड़ा है, नहीं कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला काम नहीं हुआ, तो जे की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, नाउ जे हैज वैल्यू 5, 5 छोटा नहीं है 5 से, कंडीशन क्या है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते हैं लूप टूट गया, लूप तोड़ते के साथ ही ये बाहर आया, बाहर आते क्या मिला 10। अब यहां पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल मिल गया हमारे पास, ए ऑफ जे में क्या था हमारे पास, तो इधर जे में हमारे पास क्या था भी वो मैटर नहीं करता, जो जे का लूप तोड़ दिया था उसका कोई अब इसकी कोई जनरल नीड नहीं हमारे पास, तो टेम्प नाम का वेरिएबल लिख दो यहां पे, टेम्प में क्या किया ए ऑफ आई, आई में क्या है 1, तो ए ऑफ 1 पे क्या है 7, ए ऑफ आई पे क्या गया आई में क्या है 1, तो ए ऑफ 1 पे क्या गया भैया ए ऑफ पोज, पोज में क्या है 2, तो ए ऑफ 2 क्या है 3, ए ऑफ पोज, पोज में क्या है 2, तो ए ऑफ 2 पे क्या गया भैया टेप, टेप में क्या है 7। तो देखिए इनमें से सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 आ गया यहां पे, जहां से 3 आया वहां पे 7 चला गया, तो 3 आ गया यहां पे, यहां से 7 चला जाएगा, तो अगली बार इसकी शक्ल क्या बनेगी, जब आई का सेकंड लूप खत्म होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है, तो 2 तो ये रहेगा, 3 यहां पे आ गया, 7 यहां पे आ गया, 3 यहां आ गया, 7 यहां पे आ गया, बाकी ऐसे ही रह गए, ओके। फिर इसके बाद आई की वैल्यू क्या हुई 2, फिर स्मॉल में क्या आ गया ए ऑफ आई, स्मॉल में क्या आ गया भैया ए ऑफ आई, तो ये ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई, आई में क्या है 2, तो ए ऑफ 2 क्या आ गया 7, तो स्मॉल में आ गया 7, पोजीशन क्या रहेगी 2, क्योंकि आई में 2 ही है, ठीक है। अब जे में क्या हो गया आई प्लस 1, तो जैसे ही आपके जे नाम का वैल्यू बन गया है तो जे में क्या आ गया हमारे पास आई प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3,
थ्री छोटा था, इससे कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है, अंदर आया, क्या स्मॉल a ऑफ 2 से बड़ा है या छोटा है? स्मॉल नहीं, क्या है? 7 है। चलिए a ऑफ 3, जे में 3 है ना, तो a ऑफ 3 पे क्या है? 4। मतलब a ऑफ j में क्या है भैया? 4। क्या 7 4 से बड़ा है? कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो स्मॉल में क्या आ गया? a ऑफ j। तो स्मॉल में क्या आ गया भैया? 4। और cos क्या हो गया हमारे पास? जे, जे में क्या है? 3। जे की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4 छोटा है, ऐसे कंडीशन ट्रू। क्या स्मॉल a ऑफ j से बड़ा है? मतलब a ऑफ j मतलब a ऑफ 4, a ऑफ 4 पे क्या होगा भैया? 5। क्या 4 5 से बड़ा है? कंडीशन क्या है? फोर्स तो यहां काम नहीं हुआ इस बार। फिर जे की वैल्यू एक बढ़ जाएगी और जे की वैल्यू होगी 5। एंड हियर वी सी दैट 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। नाउ कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो ये लूप तोड़ देगा। लूप टूटने के बाद यहां पे आ गए इस स्टेटमेंट पे, यहां पे आते के साथ ही इंट टेंप नाम का एक वेरिएबल बनता है। तो टेंप लिखो यहां पे आप, टेंप में क्या है? a ऑफ 5। चलिए i में 2 है हमारे पास, तो a ऑफ 2, a ऑफ 2 पे क्या आ? 7। तो टेंप में क्या चला गया? 7। a ऑफ 5 ठीक है, i में क्या है? 2। तो a ऑफ 2 पे क्या पहुंच गया? a ऑफ cos। तो a ऑफ cos पे क्या है हमारे पास? cos में क्या आ? 3। तो a ऑफ 3 पे क्या है? 4। ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब a ऑफ cos, अच्छा ठीक है, i में क्या आ गया? 2 ठीक है, a ऑफ 2 पे चला गया a ऑफ cos, और ये a ऑफ i की वैल्यू 2 थी या 3 थी? एक सेकंड जरा, a ऑफ i पे चला गया, फिर a ऑफ cos पे, a ऑफ cos, cos में क्या है हमारे पास? 3। तो ये 3 पे क्या चला गया? 10। 10 क्या है हमारे पास? 7 है। टेंप में 7 आ गया, ओके? तो इसका मतलब a ऑफ 2 पे, a ऑफ 2 ये रहा, a ऑफ 2 पे 4 आ गया हमारे पास। तो ये a ऑफ 2 पे 4, मतलब अब इनमें से ये तो चल चुके थे पहले, अब इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो इधर आएगा, जहां से सबसे छोटा नंबर आया वहां पे ये वाला नंबर जाएगा, इस पोजीशन का नंबर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 यहां पे आ गया है, a ऑफ 2 पे पहुंच गया, और a ऑफ 3 पे क्या पहुंच गया? 7, क्योंकि 7 इस वाली पोजीशन पे था, यहां चला गया। तो इसके बाद इसका इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से बनेगा, तो 0 1 2 3 4। तो 2 पहले पोजीशन पे है, 3 ऐसी, तो यहां पे क्या आ गया? 4, और यहां पे क्या आ गया? 7, और 5 यही रहेगा, ओके? उसके बाद फिर i प्लस प्लस, उसके बाद अब i में क्या हो गया? 3। i में 3 हो गया यहां पे, और 3 छोटा है 5 से, कंडीशन क्या है? ट्रू। स्मॉल नंबर का वैल्यू बन गया, स्मॉल में जा गया हमारे पास a ऑफ 5, तो a ऑफ 3 पे क्या आ गया हमारे पास? a ऑफ 3 पे क्या है? 7 है, तो a ऑफ 3 पे आ गया 7, ओके? अब cos क्या आ गई इसकी? i, i में क्या हमारे पास? 3। j में क्या आ गया? i प्लस 1, तो j में क्या आ गया? i प्लस 1 क्या होगा भैया? 4 होगा, ओके? i में क्या होगा? 4 होगा। क्या 4 छोटा है 5 से, कंडीशन क्या है? ट्रू। क्या स्मॉल a ऑफ 4 से बड़ा है? चलिए अब a ऑफ 4 क्या है हमारे पास? a ऑफ j, a ऑफ 4 में क्या है हमारे पास? 5, ओके? 7 5 से बड़ा है, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो स्मॉल में क्या आ गया? a ऑफ j, मतलब a स्मॉल में आ गया 5, और पोजीशन क्या आ गई उसकी? j, पोजीशन में आ गया हमारे पास 4, ठीक है। इसके बाद j की वैल्यू बढ़ेगी, तो j की वैल्यू हमने बढ़ाई 5 हो गई। हम यहां देख रहे हैं कि 5 छोटा नहीं है 5 से, कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो ये लूप टूट गया हमारा, जैसे ही लूप टूटा यहां पे आया, ठीक है, टेंप बना, टेंप में क्या आ रहा है? a ऑफ 5, तो a ऑफ 5, i पे क्या है? 3, तो a ऑफ 3 पे क्या भैया? 7, तो टेंप में क्या पहुंच गया? 7। a ऑफ i, a ऑफ 5 मतलब i में क्या है? 3, तो a ऑफ 3 पे क्या जाएगा? a ऑफ cos, cos में क्या है हमारे पास? 4, तो a ऑफ 4 पे क्या है? 5, तो यहां पे आ गया 5, ओके? अब a ऑफ cos पे, a ऑफ cos मतलब cos में क्या है? 4, तो a ऑफ 4 पे क्या जाएगा? 10, 10 पे में क्या है? 7। तो हम देख रहे हैं इनमें से सबसे छोटा नंबर 5 है, तो 5 इधर आ रहा है और 7 कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो फेस होगा वो 2 3 4 5 7, तो इस तरीके से हमारे पास हो गया है।
जीरो वन टू थ्री फोर। चलिए अब इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या, हमने जानबूझ के यहाँ पे एक मिस्टेक करी है ताकि आप उसको समझ पाओ। चलिए अब यहाँ पे गलती है, वो गलती को ढूंढना, कैसे गलती है, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी। चलिए अब आई में पहले थ्री था, अब क्या हो गया, फोर हो गया। ओके फोर छोटा है, एक्सेप्ट कंडीशन क्या है, टू। ठीक है स्मॉल में हमारे पास क्या आ गया, ए ऑफ फोर, ए फोर पे क्या भैया सेवन है, पोस्ट क्या है फोर आ गई। चलो ठीक है अब जे नाम का एक वेरिएबल बन गया, जे में क्या है मेरे पास आई प्लस वन, तो आई प्लस वन क्या है हमारे पास फोर प्लस वन फाइव। ठीक है क्या फाइव छोटा है इससे, कंडीशन क्या है फॉल्स, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ तो टेम्पल में क्या आ गया ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या है हमारे पास फोर, ए ऑफ आई क्या हमारे पास ए ऑफ फोर पे क्या है सेवन, अब ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ कोस, तो ए ऑफ फोर पे क्या रह गया हमारे पास, ए ऑफ कोस क्या हमारे पास ए ऑफ फोर पे क्या है सेवन, और ए ऑफ कोस ए ऑफ फोर पे क्या रहेगा सेवन। कोई चेंजेस नहीं हुए, आई की वैल्यू क्या हो गई फाइव, अब फाइव फाइव से छोटा है, कंडीशन क्या है फॉल्स, टूटा टर्मिनेट हो गया। अब इसमें गलती क्या थी, देखो गलती ये थी कि हमने एक लूप एक्स्ट्रा चला दिया बिना वजह। अगर मान के चलो कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है थी वाली, तो हम एक जो एलिमेंट है हमारा वो लास्ट में है, हम आई प्लस वन से कंपेयर कराएंगे ना, चलो आई में क्या है फोर है, तो आई में ऑलरेडी लास्ट एलिमेंट है, तो फोर प्लस वन के आगे कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो आप इससे कंपेयर कैसे करा सकते हो, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे लेस देन फाइव भी सही है एक तरीके से, लेकिन ये टाइम कंज्यूम कर रहा है एक तरीके से, तो इसलिए इसको बेटर है लिख दो आई लेस देन लेंथ माइनस वन लिखो, या फिर यहां पे लिख दो आई लेस देन फोर, ताकि आपका एक बार लूप कम चलेगा और इजी रहेगा समझने में। ओके तो फाइव लिखो फोर लिखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि हमने वर्किंग यहाँ पे करके देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है अब यहां तक तो ठीक है, अब इसके बाद इसको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करने के देखो हमने मांगने के लिए लूप चलाया, कैलकुलेशन के लिए लूप चलाया हमने, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने का लूप चला देते हैं। तो यहां पर लिख दो एसओपीएलएन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर चला दो फोर इन के इक्वल टू जीरो, के लेस देन फाइव, के प्लस प्लस एसओपीएलएन वेरिएबल ए है ए ऑफ के, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का बन करा और ये क्लास का बन करा। अब इसकी वर्किंग देखो, अब यहां पे हमारे पास अरेंज हो गए इस तरीके से, तो अब लिखा आएगा आउटपुट कैसा आएगा उसका, डबल कोट्स में ये है एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एलएनए का कर्सर गोज टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है के में क्या है हमारे पास, के में जीरो है, जीरो छोटा है, कंडीशन क्या है ट्रू, ऐसे मिले ए ऑफ के मतलब ए ऑफ जीरो, तो ए ऑफ जीरो पे क्या किया टू, तो टू प्रिंट हुआ एलएन तो कर्सर गोज टू नेक्स्ट लाइन, के प्लस प्लस के की वैल्यू क्या हो गई वन, वन छोटा फैक्स की कंडीशन क्या है ट्रू, ऐसे मिले ए ऑफ वन, तो ए ऑफ वन पे क्या भैया थ्री, तो ए ऑफ वन पे क्या है थ्री, तो क्या प्रिंट हुआ यहां पे थ्री एंड कर्सर गोज टू नेक्स्ट लाइन। नाउ के प्लस प्लस, नाउ के हैज वैल्यू टू, टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट एंड दिस इज हाउ द सिलेक्शन शॉट एक्चुअली वर्क्स। आई होप सबको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम।